गुजरात में 156 मोदी ने वो कर दिखाया जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी किसी जादू की छड़ी से इतने सक्सेसफुल नहीं बने, इसके पीछे सालों की मेहनत है। मोदी को कुछ भी विरासत में नहीं मिला है, मोदी ने एक एक दिन कई कई घंटे काम करके सियासत में अपने लिए मुकाम बनाया है। मोदी जो सोचते हैं उसके पीछे वो देश की सोच होती है। मोदी ने 2011 में ही आज के सबसे बड़े इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर ली थी। 1991 में मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था और तब की सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। मोदी के साथ उस दिन जो लोग लाल चौक पर मौजूद थे, आज उनकी जुबानी सुनिए। मोदी के इस कदम ने गुजरात में उनके लिए कैसे मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार की थी, देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र भाई भी कहते थे कि आपने कहीं लाइन तो देखी होगी, पर ये मरने के लिए यानी देश के लिए जो ये लाइन लगी है तो ये देखो। नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं कि हमने 100 यूनिकॉर्न कर दिए, कैसे कर दिया? रण महोत्सव से भूज हाट बनाई और सारे वर्ल्ड के मतलब विश्व भर के प्रवासी वहां पे आने लगे और लोकल आर्टिस्ट जिनको अपनी जो प्रोडक्ट थी, अपनी जो हैंडलूम प्रोडक्ट थी, उनको एक बड़ा मार्केट मिल गया। मैं डिसेबल हूँ, हम दोनों एक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में जाने वाले थे तो मेरी व्हीलचेयर चला के डायस तक वो ले गए थे। नरेंद्र भाई ने स्थाई कर दिया था कि हसमुख भाई आप राष्ट्र गीत गाएंगे, सभी को बुलाएंगे, यह ध्वज पकड़ेगा। मैं इस वक्त अहमदाबाद की मणिनगर विधानसभा क्षेत्र के कैनाल गार्डन में मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से विधायक थे। देखने में आपको यह आम पार्क लग रहा होगा, लेकिन इस कैनाल गार्डन की कहानी इसे अनूठा बनाती है। पहले यहां 2.5 किलोमीटर लंबी कैनाल होती थी जो नाले का रूप ले चुकी थी और यहां के रहने वालों के लिए गंदगी और बदबू का सबक थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बदलकर 2.5 किलोमीटर लंबा गार्डन बना दिया। लोगों की जिंदगी, यहां रहने वालों की जिंदगी पर इसका जबरदस्त असर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उन्हें संसदीय राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन उनके फैसले देखकर कभी नहीं लगा कि उनके पास अनुभव की कमी है। उन्होंने विकास के कार्यों की प्रैक्टिस गुजरात में रहकर की थी और यही असर था कि उनका हर फैसला इसी नजरिए से देखा गया। मणिनगर के विधायक थे, अहमदाबाद की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है मणिनगर। मणिनगर में एक कैनाल जाती थी जिसमें गंदा पानी होता था, काफी लोगों को दुविधा होती थी, दोनों तरफ लोग रहते थे, पर यह छोटी सी कैनाल थी जिसके ऊपर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, मतलब आसपास के लोगों को। वो उसको इन्होंने उनके उनका जो एक प्लान, मतलब किसी ने आगे सोचा ही नहीं था, इन्होंने सोचा और ये सोचा वो कैनाल को लेवल कर दिया, उसको उसके आसपास इतनी हरियाली कर दी है। आज वो आसपास के लोग मतलब दूर से ऐसा देखने आते हैं कि भाई ये एरिया इतना अच्छा कैसे हो गया। मुझे याद है जब उनके साथ में कई बार बैठक हुई, उसमें एक बार उन्होंने ये भी बताया कि समाज को अगर बदलना है तो 50 साल लगते हैं, व्यक्ति विशेष या उनके समूह को बदलने का काम, तो हम इस काम में नहीं पड़ना चाहिए, हमारे पास इतना समय नहीं है, क्या करना चाहिए? तो बोले सिस्टम के ऊपर ध्यान दो, सिस्टम बदलते जाओ, आदमी वो सिस्टम में फॉल होता जाएगा, समाज अपने आप सुधरता जाएगा। और ये 2014 के बाद अगर आप इसको देखो सीक्वेंस, क्योंकि मैं इनको बहुत करीबी से जानता हूँ, उनकी किस तरह की काम करने की पद्धति उसको जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए सामूहिक रूप से अगले 10 साल में देश को कहाँ जाना है, अगले 25 साल में कहाँ जाना है, 2047 में उनका क्या टारगेट है, उसको मिला कि 2014 से वो चल रहे हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण दूँ मैं, तो जनधन योजना जब आई थी तो किसी को नहीं मालूम था, मैंने बहुत सारी जगह घूमने का प्रयास किया था। आज वो जनधन योजना 2020 में और 21 में हमको मालूम है कि खेडूतों के
अकाउंट्स के अंदर सीधे पैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे, जब उस वक्त हम बता रहे थे कि 3 करोड़ 4 करोड़ लोग, फिर कुल मिला के 30 करोड़ लोगों ने जनधन खाता कर दिया। लोग बहुत बोलते रहे कि ये तो बंद है, डॉर्मेंट है, किसी का यूज़ नहीं आ गया, ऐसे ही करा दिया, लोगों के 5-15 हज़ार इसके अंदर घुस गए। बट जो मेन लाइन इकोनॉमी में छोटे खेडूत है या छोटे कारीगर है या छोटी दुकान वाला है, उस जनधन योजना की वजह से बैंकिंग क्या है, बैंक से क्या सुविधा मिल सकती है, मेरे बेटे को साइकिल कहाँ से दिलाऊंगा, लोगों से पैसा नहीं लाऊंगा, बैंक मुझे पैसा देगी, ये सब चीज़ जो हम कर पाए छोटे छोटे लोगों को मेन लाइन इकोनॉमी में जोड़ने का काम 2014 में ये जनधन योजना की नींव से बनी। एक रन ऑफ कच्छ जो धोडो जो हुए वहां पे इंडस्ट्री का कोई स्कोप ही नहीं है, मगर ये जो उनकी खूबसूरती है, एक नेचुरल ब्यूटी है जो डेजर्ट की, मोदी साहब ने उनको एक्सप्लोर किया। और आपको मैं बताऊं कि जो कच्छ जो है हैंडलूम एक्टिविटीज के लिए उनकी एक पहचान है, लोकल जो आर्टिस्टियन थे उनको कोई मार्केट इतना बड़ा नहीं था। ये धोडो रण महोत्सव से भूज हाट बनाई और सारे वर्ल्ड के, मतलब विश्व भर के प्रवासी वहाँ पे आने लगे और लोकल आर्टिस्टियन को अपनी जो प्रोडक्ट थी, अपनी जो हैंडलूम प्रोडक्ट थी, उनको एक उनको एक बड़ा मार्केट मिल गया। और ये जो कला थी, जो कला लुप्त होने, इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनकी जगह पे उनको एक नया जीवदान मिल गया। उसी तरह से गुजरात के दो पॉकेट जहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, डांग है, डांग में ज़्यादातर 90% या 85% जो टोटल इलाका है या रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उनकी टेक्निकलॉजी की वजह से वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती। उसी तरह से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पे लगा है वो भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है, और गुजरात में ट्राइबल जो लैंड है उनके लिए एक ट्राइबल लोगों को एक अलग से प्रोटेक्शन दिया गया है। तो उस सिलसिले में इस इलाके से माइग्रेशन कम हो, इस इलाके के लोग जो है उनको अपने घर में, उनकी विसिनिटी में उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिले, ये सबसे बड़ी आवश्यकता थी। और मोदी जी का एक कन्विक्शन था, मैं उनकी सोच थी ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं मतलब उनका कन्विक्शन था कि टूरिज्म ही ऐसा एक सेक्टर है जो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। और ये गुजरात में आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में आप जाके देखेंगे या गुजरात के सापुतारा में आप जाएंगे तो ये बिल्कुल इनका प्रूफ है दैट यस ही वाज राइट। हम लोग स्किल डेवलपमेंट का काम है, लड़कों के अंदर क्रिएटिविटी है, इनोवेशन का पैशन होना चाहिए, ये सब में हम बहुत पीछे है। तो पीछे है उसको साबित कैसे करें हम, इसको कुछ बैरोमीटर भी तो होना चाहिए कि भैया चलो हमने बता दिया ऐसा ऐसा है तो कैसे लोग मानेंगे। तो हमने इसका बैरोमीटर ये सोचा कि भैया हम नंबर ऑफ पेटेंट्स कितनी करते हैं एक साल के अंदर, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पेटेंट कितने करते हैं गुजरात में और इंडिया में। मैं मुझे बिल्कुल याद है 2011 में जब हम ये चीज़ लेके गए तो उन्होंने बताया कि इसका डेटा लेके आओ स्टेटिस्टिकल। तब जब हम स्टेटिस्टिकल डेटा लेके गए तो बोलते ये हो ही नहीं सकता ऐसा। 300 पेटेंट हम गुजरात में अकेले में करते थे। जब भारत की बात करूं मैं तो 19,000 पेटेंट, आप डेटा निकाल सकते हैं 2011 का, 19,000 पेटेंट करते थे। 19,000 पेटेंट में से 12,000 पेटेंट तो प्रदेश में रहे हुए भारतीय लोग करते थे। तो हमारे देश में तो क्या था। और उसी वक्त अगर हम चाइना देखें या अमेरिका देखें या जर्मन देखें या फ्रांस देखें, वो 2-2 लाख पेटेंट करते थे एक साल में। उस जगह से लेके अभी तक अगर मैं बताता हूँ तो उन्होंने जो हमें एडवाइस किया कि आप हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं स्कूल के कॉलेज के और जो मध्यम वर्ग के हमारे उद्योग है MSME है उनको आप फोकस करिए, उन दोनों को समझाइए इनोवेशन क्या है, इनोवेशन कैसे करना चाहिए, इनोवेशन का फ़ायदा क्या है, इससे हम वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम पेटेंट करा दें किसी एक चीज़ को तो उस पेटेंट को जाके हम कैसे वेल्थ क्रिएट करेंगे। इस संस्था को कभी आप स्थगित मत करिए, इसकी ऑफिस मत बनाइए, इसको चलित रखिए। इस संस्था के अंदर किसी सरकारी लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, आप समाज में से लोगों को लाइए और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड अपने हिसाब से इकट्ठा करिए, सरकार का फंड की ज़रूरत नहीं है। जब भी जाके इस संस्था के अंदर जीव आएगा और आप इसमें काम कर पाओगे। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, हम लगता है कि भाई क्यों ऑफिस नहीं बनानी चाहिए संस्था बना रहे हैं तो, लेकिन उसका मान्या यह है आप इसको चलित रखिए। जब आप ऑफिस बन जाएगी तो आपको अपेक्षा होगी कि लोग हमारे पास आए, जब ऑफिस नहीं होगी तो आप खुद लोगों के पास जाओगे।
यह गुजरात की चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। इस तरह के संस्थान देश और दुनिया में बहुत कम है। इसका मकसद मां और बच्चे के मनोविज्ञान को समझना और संस्कारों की पकड़ को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़क नेता माने जाते हैं। उनके आक्रामक तेवर और कड़क फैसले उनकी इस छवि का निर्माण करते हैं, लेकिन चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी बनाना उनकी इस छवि से ठीक उलट था। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाली छवि रखने वाले नरेंद्र मोदी की छवि गुजरात में एकदम अलग दिखाई देती है। यहां नरेंद्र मोदी रिश्तों के दर्द पर मरहम लगाते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। यहां पर उनकी छवि में मां की ममता वाली सूरत और मूर्त भी दिखाई देती है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने मेरे को सांत्वना दी थी, मैं पूरा टूट गया था, एक ही लड़का है मेरा। तो उन्होंने बोला था कि ये ईश्वर का सबसे निर्दोष सर्जन है, इसका कोई दुश्मन नहीं है, वो किसी का दुश्मन नहीं है। आपकी जिंदगी की सबसे सुखमय अगर कोई जिंदगी है तो वो बाल्यावस्था है, उससे बढ़िया जिंदगी कभी हो ही नहीं सकती। आप खुश हो जाओ कि आपका लड़का जब तक जिएगा बालक जिएगा, बालक जन्मा है बालक के हिसाब से जिएगा और बाल्यावस्था में ही उसका अंत होगा। आपको दुख इस बात का है कि ये मेरे को बड़ा होके कमा के नहीं देने वाला नहीं है, ये मेरा वंश आगे ले जाने वाला नहीं है, मगर एक बात आप समझ लो, आपको अपने पे गर्व करो कि ईश्वर भी जो कुछ भूल करता है वो भूल, अपनी भूल कुछ ऐसे लोगों को सौंपता है कि जो लोग उन्हें संभाल सके। एक एक शब्द ये उन्होंने जो बोला था वही का वही मैं आपको बोल रहा हूं। उसी दिन से मेरे दिल में से जो दुख था एकदम फ्रेश हो गया मैं कि नहीं बस। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंदर एक बुक रिलीज का प्रोग्राम था और मैं भी इनके साथ में था, तो एक भाई साहब आए थे, तो उनके सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि ऐसे कोई भाई आएंगे उनको आगे बिठाना है आपको। मैंने कहा ठीक है, मुझे संपर्क कर लेंगे तो मैं आगे बिठा दूंगा। मैंने आगे बिठा दिया उनको। फिर उन्होंने मुझे स्टेज पर बताया कि जाते समय इनको मिल के जाना है। जब वो मिलने गए तब मालूम पड़ा कि वो उनके क्लासमेट थे। जो क्लासमेट थे उनके बेटे ने इनको घर से निकाल दिया था और इन्होंने यहाँ उस वक्त आश्वासन दिया कि मैंने उनसे बात कर ली है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो बंदा था वो इतना जोर से रो रहा था, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना जोर से। नरेंद्र भाई ने उसको दो हाथ से पकड़ के रखा, आप चिंता छोड़ दो, घर पे जाओ आराम से, आगे कुछ दिक्कतें नहीं आएगी। मैंने उसको बुला के समझा दिया है। मैं समझता हूँ कि आप इतनी सारी पब्लिक लाइफ में रहने के बाद में अपने स्कूल जीवन के किसी दोस्त के लिए इस तरह से सामने से जाके ऐसा काम करना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। केशुभाई पटेल की पहली सरकार बनी तो गुजरात में से भाजपा की खुद के बल पर पहली सरकार बनी थी, तो गुजरात भर के कार्यकर्ताओं और भाजपा के जो संपर्क में जो लोग आए होंगे वो सबका बहुत पत्र आते थे और ऐसा समझो कि बड़ा अंबार लग गया था खत का। उसमें कुछ सजेशन भी रहते थे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमारा विस्तार का ये प्रश्न है, ये प्रश्न का ये सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा सब बहुत कुछ अंदर सजेशंस रहते थे। और कई लोगों की शादी के इनविटेशन कार्ड वगैरह भी आते थे और इतनी ज़्यादा संख्या थी उनके मन में द्विधा हो गई कि एक सब कैसे हम, और उनका दिल में रहता था कि मैं हर चिट्ठी, मेरे पर आने वाली हर चिट्ठी का मैं जवाब दूं। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें और उन्होंने मेरा संपर्क किया, जयप्रकाश मुझे मदद करोगे, ये सब जवाब लिखना है। मैंने बोला मैं करूँगा, अवश्य करूँगा, आप बोलते हो तो मैं क्यों नहीं करूँगा। और मैंने वो जिम्मा लिया और बहुत अच्छी तरह से, मगर मैंने देखा कि शादी के लिए जो उनकी चिट्ठी जाती थी कार्यकर्ता को, इतनी प्रभावशाली उनका पत्र रहता था, उसमें अपने जीवन संगिनी के बारे में कैसा अपना वर्ताव होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब एकदम छोटे से शब्दों में
मगर बहुत इफेक्टिव रहता था कि लग्न क्या है और अब आपकी क्या जिम्मेवारी है वो सामने वाले को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि भाई शादी हो गई और ऐसा नहीं, मगर एक संघ के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में आपकी घर के प्रति भी क्या जवाबदारी है और ये भी करना है और साथ में उनको भी साथ में लेना है काम में, वो सब बातें उसमें आ जाती थी। इतना परफेक्ट उनका राइटिंग रहता था। मुझे ध्यान में है कि लोग वो पत्र अपने पास संभाल के रखते थे। मैं डिसेबल हूँ, हम दोनों एक एक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में जाने वाले थे, तो मेरे जो अटेंडेंट था उनको हटा दिया था कि यार छोड़, तू तो हर रोज करता है, मुझे सेवा करने दीजिए। तो मेरी व्हील चेयर चला के डायस तक वो ले गए थे कि कृष्ण का जा, सब लोग तुमको जा भाई बोलते हैं ना, मैं तो आ भाई बोलता हूँ। मैं इस वक्त अहमदाबाद की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सामने खड़ा हूँ। इस शहर की नींव 1411 में पड़ी और इस शहर को अहमदाबाद के नाम से जाना गया, लेकिन इससे पहले आशावल और कर्णावती इस भूभाग की पहचान थी। संघ आज भी इस भूभाग को कर्णावती के तौर पर पहचानता है। इस पहचान को लेकर पूरे गुजरात में जबरदस्त समर्थन और कट्टर आग्रह है। यही कट्टर आग्रह नरेंद्र मोदी में कूट कूट कर भरा है। इसी आग्रह से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त तिरंगा यात्रा निकाली और श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर तिरंगा लहराया। इस यात्रा में उनके सहयोगी रहे एक शख्स से हमने मुलाकात की और उस यात्रा के कई अनसुने और अनजाने पहलू समझने की कोशिश की। आखिर क्या था वो माहौल जब नरेंद्र मोदी ने कपकपाती ठंड की सुबह में 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा लहराया। उधमपुर पहुंचे तो कोई वहां का ऐसे अनबनाव बन गए, तो वहां से यात्रा बाय रोड जा नहीं सकेगी, ऐसा गवर्नमेंट का आदेश था, रोक लगा दिया था। तो वहां माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई, सभा यानी जो यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में से लोग आए थे, बस लाठी गोली खाएंगे लेकिन कश्मीर जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे श्रीनगर जाएंगे, लाठी गोली खाए, इतने सूत्र पकड़ते पकड़ते बहुत भारी संख्या में पब्लिक हो गई, मेरे घर 50,000 से ज़्यादा उधमपुर में भी। और वहाँ अपना परम पूज्य अपना अटल जी, उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को क्षमा की कि भाई अपनी यात्रा होगी, अपनी यात्रा यहाँ से बाय रोड नहीं जा सकेगी, हम यात्रा यहाँ से समाप्त करते हैं। ऐसे पब्लिक का ऐसा जुस्सा था, तभी नरेंद्र भाई भी कहते थे कि आपने कहीं लाइन तो देखी होगी कोई ना कोई कारण सर कुछ लाइन में, पर ये मरने के लिए यानी देश के लिए जो ये लाइन लगी है तो ये देखो, ये सब बोल रहे थे लाठी गोली खाएंगे मर जाएंगे लेकिन कश्मीर जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।